विधानसभा क्षेत्र सदर के विधायक आशीष शर्मा ने शुक्रवार को न्यू सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल राजौल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन सदस्यों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर विधायक का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर हुई। कार्यक्रम में बच्चों ने ऊर्जा से भरपूर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत, नशा निवारण, बेरोजगारी सहित अन्य सामाजिक मुद्दों पर बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। इस मौके पर विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि बच्चों के मंच पर आने की खुशी माता पिता को अधिक होती है। विधायक ने कहा कि अध्यापकों ने बच्चों को बेहतरीन ढंग से तैयार कर मंच पर भेजा है, जिसके लिए वे भी बधाई के पात्र हैं। बच्चे हमारे देश के आने वाले भविष्य हैं। हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो परफॉर्म ना करने से। उन्होंने कहा कि आज युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा पर हमें जीवन में लक्ष्य प्राप्ति होने तक निरंतर मेहनत करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो। कुछ बच्चे खेलों, कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों, कुछ अन्य क्षेत्रों में भी अच्छे होंगे। इसलिए बच्चों पर कुछ भी थोपे नहीं, बल्कि जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि है उस क्षेत्र में बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अध्यापक व अभिभावक बच्चों को शुरू से ही अनुशासन में रहना सिखाएं और मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। ये जीवन एक ही बार मिला है और सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। समाज के लिए कुछ खास करने वाले व्यक्तियों को ताउम्र याद रखा जाता है। अनुशासन, मेहनत, लगन सहित भगवान की भक्ति व माता पिता के चरणों में माथा टेकने वाला बच्चा हमेशा अच्छा मुकाम हासिल करता है। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के मेधावी व विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अध्यापक मीना शर्मा, MD रोशनलाल, विनीत कालिया सहित बच्चों के अभिभावक व अन्य मौजूद रहे। देखिए, जो ये मैं ये समझता हूँ कि जो ये हमारा आने वाला भविष्य है, बच्चे हैं, जितना दायित्व स्कूल का है, पेरेंट्स का भी उतना दायित्व है कि अच्छे तरीके से आगे बढ़े, अच्छी परवरिश में आगे बढ़े, अच्छे संस्कार सीखें। और मैं ये समझता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेलने हैं या और भी जो भी एक्टिविटीज हैं उसकी तरफ भी ये ध्यान दें साथ में। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में बच्चा, अगर पढ़ाई में कई बार वीक होता है तो ऐसा नहीं है कि वो बाकी क्षेत्र में किसी में, ईश्वर ने हर किसी को अलग अलग हुनर दिया है। कोई अच्छा गा भी सकता है, कोई अच्छा प्लेयर भी हो सकता है, कोई अच्छा किसी और एक्टिविटी में अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस भी फील्ड में बच्चे, अगर छोटे बच्चे हैं अभी इन पे ज्यादा प्रेशर ना डालें और जो जिस भी फील्ड में ये अच्छा करें उसमें उनको मोटिवेट करें। हिमाचल प्रेस, हमीरपुर से मोहनजीत की रिपोर्ट।